और यहाँ पे सीन क्या हुआ ये देख सकते हैं आप। और नीचे है गहरी खाई, फिलहाल तो नज़ारे ले रहे। तो पहुँच चुके हम धारी देवी मंदिर में और आप ये देख सकते हैं सामने है। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को, और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अमन यू के 12 में। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं माँ धारी देवी के दर्शन करने के लिए विद फैमिली। और इस बार बाइक में नहीं, हम जा रहे हैं टैक्सी में, मेरे भाई की टैक्सी में। फिलहाल अपने फैमिली वाले मतलब मामा मामी लोग सभी मतलब नीचे पहुंच चुके हैं, दीदी लोग, और मैं ही थोड़ा लेट हूँ। तो अभी फटाफट से नीचे पहुंचते हैं और फिर निकलते हैं खूबसूरत सी ट्रिप पे, शॉर्ट ट्रिप कह सकते हैं आप इसको। तो हमें घर से निकला हुआ जस्ट अभी 10-15 मिनट हुए थे, इधर गई हमारा गांव है जहाँ से हम आए थे, यहाँ पे है गेंद गांव। और यहाँ से जो ऊपर वाली रोड है वो पूरा आगे से यू टर्न लेके ये वाली रोड आती है नीचे के लिए, जिस रास्ते से मतलब देवप्रयाग से यहाँ का शॉर्टकट है। तो अबे, और यहाँ पे सीन क्या हुआ ये देख सकते हैं आप। एक्चुअली रोड का थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो JCB ने वहाँ पर मतलब खड्डा कर रखा, तो जिस कारण हमें अभी वापस लेना पड़ेगा और दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा, पौड़ी के रास्ते से। भाई क्या हो गया ये, बीच में अब हमें पौड़ी से होते हुए जाना पड़ेगा। सही, सभी छत पे आ गए हम, क्योंकि नीचे मतलब जो मैक्स होती है, जो पीछे वाली सीट होती है ना, वहाँ पे कसम से मतलब कोई ना बैठे भाई साहब, सिर इतना घूमता है वहाँ पे, स्पेशली मेरा तो बहुत ज़्यादा घूमता है। तो इसलिए मैंने कहा भाई को कि गाड़ी रोको, मैं थोड़ी देर बैठ रहा हूँ छत पे, और यहाँ से आएंगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया सिनेमैटिक्स। और थोड़ी जो मेरे को अंदर से थोड़ा वो क्या बोलते हैं वॉमिटिंग टाइप का हो रहा है, तो वो भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल आप एंजॉय करें सिनेमैटिक्स। और ये रोड आप देख रहे होगे, ज़िगज़ैग रोड पूरी सामने वाले पहाड़ पे, तो वहीं से हम आए हैं, वो देख सकते हैं हम वहाँ से। और नीचे है गहरी खाई और आगे हमारे साथ एक भाई बैठे हुए हैं, राहुल भाई। भाई कैसा लग रहा है छत पे बैठ के? बड़े लग रहे हैं यार भाई, पहली बार बैठ रहा हूँ यार भाई। पहली बार? लेकिन मैं पहली बार नहीं बैठ रहा हूँ, मैं काफ़ी बार बैठ चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे पता था कि मज़ा आता है, इसलिए मैंने बोला कि भाई बैठ रहे हैं। और मेरे साथ साथ भाई भी आ गए ऊपर थोड़ा फील लेने के लिए। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत सा वाटरफॉल जिसका नाम है गेंटी छोड़ा। तो किसी दिन यहाँ की भी एक बढ़िया सा ब्लॉग शूट करेंगे यहाँ भी। तो थोड़ी देर के लिए रुके थे हम गढ़खेत मार्केट में और अब फिर से निकल चुके हैं, और अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे जीजा जी ने। और दोस्ती बोल देता भाई हाँ, तो मतलब रिलेशन में तो जीजा ही हैं, बाकी दोस्त तो समझ सकते हैं आप, दोस्त तो भाई हम थोड़े बहुत ही मतलब हमसे एज में बड़े हैं, लेकिन तो इसलिए थोड़ा दोस्त समझ सकते हैं आप, लेकिन रिलेशन में जीजा जी हैं। तो फिलहाल इंजॉय कर रहे हैं हम छत में, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस कारण मतलब थोड़ी बहुत ठंड भी लग रही है। और बाकी आपको कैसा फील हो रहा है? ठंडी से लग रही है लेकिन मज़ा आ रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है, ठंड ज़्यादा मतलब वो नहीं कर रही, मज़ा आना चाहिए बस, ठंड तो जो मर्जी। ये जो हवा है वो प्योर हवा है, प्योर हवा है, और ये शहरों में ढूंढने से नहीं मिलेगी। हाँ धुंध हो गई है, धुंध बिल्कुल। फिलहाल तो नज़ारे ले रहे,
तो रोड कर रखा है ब्लॉक गायों ने अच्छे से। यहाँ पे धूप है ना, धूप सेक रहे बढ़िया। हो गया अब नीचे जाने का, बहुत बैठ लिया छत पे अब, क्योंकि आगे नहीं तो हो जाएगी कार्रवाई। गाइस मजा आया? मजा आया अंदर? ठीक चल गाइस, अंदर मजा आया? हमारा हटगा ठीक चल, हमारा भी ठीक चल। और तो फिलहाल पहुंचे पौड़ी में, लेकिन यार जाम लगा बहुत तगड़े वाला ये बस अड्डे के पास, जो जिसको आठ मजुआ कहते हैं। तो देखते हैं कब तक निकलता है जाम, और फिर करते हैं आगे कंटिन्यू। पौड़ी मार्केट क्रॉस करने के बाद अभी हम रुके हैं इधर, एक पेट्रोल पंप है श्रीनगर रोड पे, तो वहाँ पे एक छोटा स्क्रैच ब्रेक लेने के लिए वहाँ पे रुके हैं। और एक्चुअली क्या है ना, मेरा पीछे बैठे हैं पीछे वाली सीट में बहुत ही ज़्यादा मतलब यार सिर घूम रहा है, और मतलब पहले से जो ये टैक्सी होती हैं उनकी पीछे वाली सीट में मतलब बैठना यार एक चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यार सिर घूमता है वहाँ पे, क्योंकि कंजस्टेड होता है बहुत सारा, और जो आपकी बैठने की पोजीशन होती है वो थोड़ा डायरेक्शनल इस साइड होती है, तो जिस कारण यार सिर थोड़ा घूमता है। तो इसलिए थोड़ा मैंने भाई को बोला गाड़ी रोको और थोड़ा सा जो हवा ठंडी ठंडी हवा लेते हैं ताकि थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए, और फिर आगे निकलते हैं। और यार पौड़ी में मतलब इतना जाम ना भाई साहब, हालांकि मानते हैं कि यार संडे का दिन है, लेकिन यार इतना जाम, हद से ज़्यादा जाम। करीबन हमें जो बस स्टॉप है उसको क्रॉस करने में करीबन हमको आधा घंटा लग गया, क्योंकि रोड्स बिल्कुल कंजस्टेड हैं। और जो आपको पता ही है जो पौड़ी का आठवां अजूबा है बस स्टैंड, तो इतने सालों से अभी तक उसमें काम चली रहा है, जिस कारण थोड़ा रोड भी ब्लॉकेज हो जाती है, और बाकी जो आसपास ठेले वगैरह लगे रहते हैं उनसे भी मतलब काफ़ी हद तक जो रोड है वो ब्लॉक होती है। तो ऐसा ही कुछ सीन है यार, बाकी तो निकलते हैं आगे। तो पहुंच चुके हैं हम धारी देवी मंदिर में, और आप ये देख सकते हैं सामने है बिल्कुल भव्य मंदिर, और ये है एंट्री, जो कि ये पुल बना हुआ है बिल्कुल मंदिर के परिसर में जाने के लिए। और तो मंदिर के स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको मतलब जूता चप्पल अगर आप पहन के आ रहे हो तो उनको यहाँ पे उतार के फिर यहाँ से एंट्री होती है मंदिर की, और बिल्कुल सामने है माँ धारी देवी का मंदिर, जो कि और पानी का स्तर अभी इस टाइम पे काफ़ी कम है वैसे, और सीज़न में पानी मतलब काफ़ी ऊपर तक रहता है। तो अभी अंदर चलते हैं, लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है, तो चलते हैं दर्शन करते हैं फिर आपसे करते हैं बात। तो मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, यहाँ पे है माता की जो मूर्ति, वहाँ अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए यहाँ पे विस्थापित है, और जो नया मंदिर बन रहा है भव्या तो उसमें अभी काम चल रहा है, तो उसके बाद मंदिर की जो मूर्ति है वो यहाँ शिफ्ट की जाएगी, और जो मेन मंदिर होगा वो यहाँ होगा। तो फिलहाल दर्शन तो हो चुके हैं और अभी निकल रहे हैं वापसी की ओर, और फिलहाल इसके बगल में एक पैदल वाला जो झूला है वहाँ जाएंगे, और वहाँ से दिखाते हैं फिर आपको। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मंदिर, और उसके बगल में है ये पैदल जो कच्चा पुल आप कह सकते हैं उसको, और यहाँ पे मतलब इतना खूबसूरत पुल है, और यहाँ से जो मतलब देख सकते हैं बिल्कुल सामने है मंदिर परिसर, और साइड है ऊपर जो मेन मार्केट है और जो मेन हाईवे है केदारनाथ बद्रीनाथ वाला, और इस साइड है धारी गाँव, अगर आप ये ब्रिज पार करोगे तो उस साइड पूरा धारी गाँव आप देख सकते हैं वहाँ से लेके वहाँ तक, और नीचे है गंगा माँ, और यहाँ पे मंदिर। तो काफ़ी बढ़िया लोकेशन है यहाँ पे, काफ़ी लोग मतलब फ़ोटोशूट वगैरह कराते हैं, और मैंने बहुत सारे यहाँ के ड्रोन शॉट्स वगैरह भी देखे हैं, तो काफ़ी लाजवाब यहाँ के ड्रोन शॉट्स हैं। तो फिलहाल हमारे पास ड्रोन नहीं है, लेकिन जो भी है उससे काफ़ी अच्छा मतलब आप लोगों को दिखाऊँगा। तो फिलहाल काफ़ी भूख लगी है और खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर नीचे नहाएंगे तो वो भी आपको दिखा देंगे।
तो फिलहाल मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते हैं, मंदिर से जो रास्ता ऊपर आता है जो मेन रोड है ऊपर मार्केट में, तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं ऊपर मार्केट में और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना मंदिर का वो बिल्कुल मतलब अमेजिंग है। हालांकि धूप थोड़ी कड़क वाली लगी हुई है लेकिन यार जो मंदिर है मंदिर को देख के मतलब सारी गर्मी जो है वो आप समझ सकते हैं मिट गई है। और बाकी थोड़े ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स बने हुए हैं, आप अगर आप आ रहे हो धूप लगी हुई है तो आप यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकते हो। तो जस्ट अभी मार्केट एरिया में पहुंचे थे और जो मेन एंट्री है मंदिर की वो ये रही सामने, आप देख सकते हैं ये भव्य द्वार। और हालांकि यहाँ पे रश बहुत है यार और शोर शराबा बहुत है तो इसलिए थोड़ा नॉइस वगैरह काफ़ी आ रही होगी आपको, लेकिन ये रहा मार्केट। और जो मेन अगर आप चारधाम यात्रा पर आओगे तो जो ये वाला हाईवे है इसी रास्ते से आप आगे बद्रीनाथ केदारनाथ जाओगे। तो जय माँ धारी देवी। तो गाइस धारी देवी से हम आ चुके हैं अपनी लोकल रोड्स पे फिर से, तो फिर से बैठ चुके हम छत पे और फिलहाल फोन से शूट कर रहा हूँ मुझे गोप्रो और नीचे बैग में कर रखा है मैंने बंद। फिलहाल हमारे साथ भाई लोग मजे ले रहे हैं छत के, छत की सवारी के है ना आया मजे आ रहे। कितने साल हो गए छत पे? कितने साल हो गए? 8-10 साल। अच्छा अरे बोल दिया नहीं सही बात 8-10 साल नहीं तो यार अपना बाइक से ट्रैवल चल रहा है। हाँ सही बात है, हम हैं बाइकर्स लोग, गाड़ी में बहुत कम ट्रैवल करते हैं। किसे कहते टेक्निक है देखो भाई।